टू के स्पेशल राइड बोल सकते हो। तो गाइस ये वाला व्यू चेक करो, तो यहाँ पर देख सकते हो कर्सियन सिटी, तो ये कर्सियन का टाउन है भाई। तो छोटा छोटा घर दिख रहा होगा आप लोगों को एकदम। क्या खतरनाक नज़ारा दिख रहा है यहाँ से। तो उस साइड में है कोई कर्सियन देख सकते हो यहाँ पर। तो अभी हम लोग ना और एक चीज बताना था, तो हम लोग सिलीगुड़ी में जो ना 8T 310 जो है ना आ चुके हैं भाई। तो गाइस टाइम हुआ लगभग 11:47 एंड तारीख हो गया आज 7 नवंबर 2023। तो आज सुबह सुबह निकल चुके भाई, या बहुत दिन बाद मिल रहे हैं, तो बहुत दिन के बाद ब्लॉग शूट कर रहे हैं। तो फिलहाल तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं, एंड कहाँ पर जाएंगे वो भी डिसाइड नहीं हुआ है, बस निकल रहे फिलहाल अभी। एंड कहाँ जा रहे हैं वो भी नहीं पता है, डिसाइड भी नहीं किया कि कहाँ जाएंगे, एंड चलेंगे उसके बाद ही पता चलेगा कि कहाँ पर जा रहे हैं हम लोग। तो वैसे अभी टाइम हुआ लगभग 12:00 हो गए, तो अभी हम लोग जा रहे हैं दार्जिलिंग। तो चलिए, हम अभी तक मेरे दोस्त को बोला नहीं है कि हम लोग दार्जिलिंग जा रहे हैं, तो हमको उसको बोला कि कर्सियंग जा रहे हैं। तो एक्चुअली पास में है ना, तो कर्सियंग जा रहे का मतलब वो नहीं है, उसको भी मूड नहीं है। तो फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं दार्जिलिंग भाई। तो अभी हम धीरे धीरे करके बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग जा रहे हैं दार्जिलिंग, एंड यहाँ पर देख रहे हो क्या खतरनाक ओवरटेक किया अभी भाई। बाप रे बाप, एंड आज का मौसम एकदम मस्त होकर रखा है, मस्त धूप दिया हुआ है बाहर। तो फिलहाल अभी मस्त एकदम धूप दिया हुआ है, तो फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं दार्जिलिंग क्योंकि अच्छा व्यू आएगा वहाँ से, भी अच्छा दिखेगा भाई। आज फिलहाल मौसम भी अच्छा है, तो आज ही फिलहाल हम लोग जा रहे हैं। अचानक से ही प्लान हुआ, तो प्लान तो मतलब पहले से नहीं था कि दार्जिलिंग जाएंगे, तो प्लान अचानक से हुआ। एंड काफ़ी दिन बाद ब्लॉग शूट हो रहा है भाई। दुर्गा पूजा वाला वीडियो जो है ना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया उतना, तो लास्ट 2-3 वीडियो में ना मेरा अच्छा व्यूज आया। तो ये सपोर्ट करते रहो भाई लोग, एंड अपना 2K होने वाला है, एंड शायद ये वाला वीडियो छोड़ते छोड़ते ना शायद 2K भी हो ही जाएगा। कल देखा था अपना डेट ऑफ बर्थ है ना, उसका हिसाब से हो गया था 1999 हो गया था भाई। वीडियो छोड़ने से पहले हो जाएगा या फिर छोड़ते हो जाएगा 2K। तो अपना भाई 2K कम्प्लीट हो चुका है, 2K स्पेशल राइड बोल सकते हो। तो फिलहाल अभी चलते हैं, लेट्स गो। तो गाइस अभी हम लोग को लेना है यहाँ से राइट टर्न लेंगे हम लोग। सामने कर्सियंग, तो कर्सियंग इधर रह गया, इधर दिख रहा होगा शायद आप लोगों को। एंड ये रोड एकदम इतना मस्त रोड है ना, एंड काफ़ी दिन बाद भाई राइड कर रहे हैं, तो भाई इसका अलग ही फीलिंग है। तो चलिए, हम सुबह को प्लान किया था, मतलब सुबह निकलेंगे हम सोचा था, लेकिन सुबह तो नहीं हुआ क्योंकि घर में भी थोड़ा बहुत काम था, एंड मोटर भी खराब हो गया था। तो पानी का जो मोटर है ना, जो पानी टैंक तक पहुँचाता है पानी, तो पम्प भी खराब हो गया था, तो उसको मतलब ठीक करवाया, टाइम लग गया। तो निकलते हम लोग का इसीलिए भाई 12:00 बज गया। तो फिलहाल अभी निकल चुके हम लोग, एंड भाई इतना मस्त मौसम मुख्य रखा है ना। तो अभी टाइम लगभग ऑलमोस्ट कितना हो गया अभी, टाइम लगभग 12:35। तो लगभग हम लोगों को ना डेढ़ बजे तक में पहुंच जाना चाहिए हम लोग को शायद। वहाँ से फिर खाना वाना खा के ना, फिर लंच वंच करके ना, फिर निकलेंगे वहाँ से। लगभग ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लगभग हम लोग शाम तक में पहुँच जाएंगे घर भाई, लेट्स गो। तो अभी हम लोग पहुँच गए टोल में, तो टोल शायद देना पड़ेगा कि नहीं दे पड़ेगा भैया, टोल देना पड़ेगा क्या, हो जाएगा ना, थैंक यू। थोड़ा टाइम में तो लेता था भाई, आज पता नहीं क्यों छोड़ दिया, बोलता है नहीं चाहिए, लेट्स गो। टाइम अभी लगभग 12:45। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं भाई रोहिणी का यहाँ पर, तो रोहिणी का यहाँ पर रेस्टोरेंट में है बोल सकते हो। तो यहाँ पर रुके हुए अभी हम लोग अभी, तो यहाँ पर लंच करेंगे एंड थोड़ा हल्का फुल्का खा लेंगे, एंड उसके बाद ऐसा तो प्लान है मेरा कि दार्जिलिंग जाने का, लेकिन पता नहीं अभी दार्जिलिंग फिक्स नहीं है। लेकिन हम तो वैसे सोच के रखे कि दार्जिलिंग चलेंगे, एंड यहाँ पर खाना वाना खा के ना फिर देखते हैं भाई कहाँ चलेंगे, वो भी फिक्स नहीं है अभी तक। तो फिलहाल यहाँ पर खाना खा लेते हैं, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। ऐसे तो हम घर से ना खाना खा के निकला था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत चाय वाय पी लेते हैं, एंड उसके बाद निकलेंगे। एंड यहाँ पर अपना बाइक, तो सुबह जब बाइक निकला था ना, तो सुबह भी पूरा एकदम वॉश कर दिया था बाइक को। वॉश तो उस दिन ही किया था, संडे को ही वॉश करके ना एकदम पूरा चकाचक कर दिया था बाइक को। तो आज थोड़ा सा मतलब ऐसे पोंछ के निकाला बाइक को। तो फिलहाल यहाँ पर अभी कुछ खा लेते हैं, उसके बाद निकलते भाई, लेट्स गो। तो वैसे अभी यहाँ से निकल रहे हम लोग, तो अभी टाइम हो रहा है लगभग 1:22, अभी यहाँ से निकल रहे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कर्सियंग का, यहीं पर रुकेंगे। तो एक्चुअली प्लान तो हुआ था दार्जिलिंग जाने का, लेकिन प्लान को कैंसिल करना पड़ रहा है यहीं पर। तो अभी हम लोग जाएंगे कर्सियंग
हनुमान मूर्ति के वहाँ पर, क्योंकि लास्ट टाइम हम भी संजय लोग के साथ आया था तो उस टाइम पे हम गया नहीं था हनुमान मूर्ति के वहाँ पर, एंड दोस्त भी नहीं देखा हुआ है हनुमान मूर्ति के वहाँ पर, तो अभी वहीं पर जा रहे फिलहाल, अभी लेट्स गो फिलहाल, अभी यहाँ से चलते भाई, बाद में देखा जाएगा कहाँ पर जाएंगे कहाँ पर नहीं जाएंगे, और लेट्स गो। बस एक बार सामने ये चेक करो क्या है, ये फूल है कि क्या है भाई, फूल है ना ये, वाह एक बार चेक करो भाई, तो ये पूरा देखो ना फूल है कि क्या है, खेत है बेचता हुआ ना ये, आज देख सकते हो तो पूरा येलो 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 येलो, सनफ्लावर बोलते हैं ना, सनफ्लावर बराबर होता है ना, फ्लावर जैसा ही है थोड़ा सा, मतलब छोटा छोटा है ये, क्या अच्छा नर्सरी है क्या। एक दिन अपना बॉस लोग के साथ भी राइड निकलना पड़ेगा भाई लोग, तो भाई लोग को बोलना पड़ेगा एक दिन राइड आना पड़ेगा सब भाई लोग को मिलके, क्योंकि बहुत दिन हो गया हम लोग राइड में भी नहीं निकला है, छोटा राइड में भी शॉर्ट राइड में भी नहीं निकला था भाई लोग के साथ, तो एक बार बोलना पड़ेगा भाई लोग को भी, बहुत जल्द राइड निकलेंगे भाई ग्रुप के साथ। एंड भाई चराई देख रहे हो स्टार्ट हो चुका है हम लोग का फुल एकदम, गाइस एक बार ये वाला व्यू चेक करो भाई क्या मस्त दिख रहा है एकदम, एंड अपना बाइक का रेडिएटर देख रहे हो, रेडिएटर चालू हो चुका है टू टू करके, क्या मस्त दिख रहा है एकदम, मज़ा आ गया। एंड थोड़ा सा ना यहाँ पर मौसम जो है ना अभी थोड़ा, मतलब ऐसे तो ठंडा नहीं है लेकिन यहाँ का जो हवा है ना थोड़ा थोड़ा ठंडा कर रहा है अभी, तो विंटर मतलब फील हो रहा है यहाँ पर इस साइड में ना, मतलब ठंडा है, मतलब उतना ज़्यादा भी नहीं है उतना कम भी नहीं है, नॉर्मल ठंडा है भाई एकदम मस्त, एकदम मज़ा आ रहा है। हम शर्ट पहन के अभी एंड हुडी तो लेके आए हैं, हुडी भाई बैक में है, तो हुडी जाने का टाइम में अगर ठंडा करेगा ना तो हुडी भी पहन लेंगे। तो गाइस एक बार ये वाला व्यू चेक करो भाई, क्या ही खतरनाक दिख रहा है एकदम, क्या टॉप में आ चुके हम लोग भाई देख रहे हो, तो यही फील भाई देखो एक बार, इतना दिन से ना मिस कर रहा था इतना दिन से, एंड आज देखो भाई क्या खतरनाक दिख रहा है भाई, क्या व्यू है गाइस। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं भाई अभी फिलहाल आई लव खरसियांग का यहाँ पर, तो यहाँ पर छोटा सा व्यू पॉइंट है तो यहाँ पर रुकेंगे यहाँ पर, एंड भाई यहाँ से व्यू देखो एक बार, तो ये रहा व्यू पॉइंट, तो यहाँ पर अभी हम लोग थोड़ा सा रुके हैं भाई, रुके हैं क्या रुकेंगे अभी यहाँ पर, बाप रे एंड अपना रेडिएटर, वैसे यहाँ पर ये वाला व्यू पॉइंट में रुके थे हम लोग अभी, तो यहाँ से निकल रहे हैं अभी हम लोग, एंड अभी हम लोग जाएंगे जहाँ पर हनुमान जी का मूर्ति है ना, तो फिलहाल अभी वहाँ पर जाएंगे, एंड भाई मस्त दो तीन चार फोटो खींच लिया फिलहाल, तो अभी यहाँ से निकल रहे भाई। तो साइड साइड में देखो तो भाई लोग अपना झाड़ी हड़ी टी गार्डन, एंड भाई मस्त व्यू मस्त मौसम एकदम एकदम A1 भाई। तो गाइस ये वाला व्यू चेक करो, तो यहाँ पर देख सकते हो खरसियांग सिटी, तो ये खरसियांग का टाउन है भाई, तो छोटा छोटा घर दिख रहा होगा आप लोगों को, एकदम मस्त दिखता है यहाँ से ये वाला नज़ारा, एंड अच्छा धूपी का पेड़ है ये, ओ हाँ 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 नेपाली वेडिंग में ना उसी होता वो पत्ता जो है ना, हाँ वो पत्ता का जो है ना माला बनता है वो पत्ता का, तो हमने बहुत बार देखा था, तो चलिए हम सोचा था कि मतलब दूसरा कुछ होगा उसका, लेकिन इसी पेड़ से बनता है भाई वो माला। अच्छा धूपी का धूप भी होता है, इसका धूप भी बनता है भाई, सुन लो आज अगर नहीं पता होता था, हमको तो नहीं पता था, आप लोगों को शायद पता होगा तो हाँ करके बोल देना भाई, मेरे को तो नहीं पता था आज पता चला भाई। हनुमान मूर्ति वाला रास्ता इधर से जाना पड़ेगा, तो सीरियसली भाई हम पहली बार जा रहे हैं हनुमान मूर्ति का यहाँ पर, तो एक्चुअली दोस्त लोग जो है ना बहुत पहले भी आया था, तो भाई लोग अपना जो है ना पहले भी आया था, एंड हम जो है ना आज भाई फर्स्ट टाइम है कि खरसियांग का मूर्ति जो है ना हनुमान मूर्ति का जो बजरंग बली का जो मूर्ति है ना वहाँ पर हम गया नहीं है, आज फर्स्ट टाइम पहली बार जा रहे हैं, एंड आज मेरा भेज भी है हनुमान जी के लिए, तो भेज खाते हैं हम ट्यूजडे एंड सैटरडे, तो आज भाई हनुमान जी का दर्शन हो जाएगा एंड वहीं पर जाए फिलहाल अभी हम, तो लेट्स गो आज कम से कम ये तो बोल पाएंगे कि भाई गया है हम भाई वहाँ पर, तो इतना दिन से ना मैं गया नहीं था, तो खरसियांग इतना बार देख लो रोड एकदम इतना है भाई खतरनाक, तो शायद संजय लोग ना मेरे को इसी का बारे में बोल रहा था कि वहाँ का जो रोड है ना रोड एकदम ऐसा है भाई, टाइम पता चलेगा आने का टाइम है, लेकिन बहुत फटेगा भाई बहुत फटेगा, बाप रे देख रहे भाई इतना खतरनाक, एंड यहाँ पर एक गियर लगा रहे भाई देख रहे हो, एक गियर में गाड़ी चलाना पड़ रहा है, यहाँ पर दो गियर लगाने का कोई चांस ही नहीं है,
एंड अपना रेडिएटर आलू हो चुका है भाई। गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं भाई, जय बजरंगबली। सो गाइस टाइम अभी लगभग 2:18 एंड अभी हम लोग पहुंच चुके हैं, कुछ इस तरीके का लोकेशन है भाई। तो ये चेक करो एंड पास में है भाई बजरंगबली के मूर्ति, व्यू चेक करो, इतना खतरनाक बिग दिख रहा है यहाँ से। एंड इधर में हम है भाई, सही फिलहाल यहाँ पर दर्शन हो चुका है। तो अभी यहाँ से हम लोग निकलेंगे, तो अभी यहाँ से चलेंगे गीदा पहाड़ का साइड, गीदा पहाड़ के यहाँ पर चलेंगे अभी। तो बस ऐसा कुछ सीन है, एंड अभी यहाँ से निकलेंगे हम लोग एंड मस्त एकदम दर्शन हो गए, एकदम नेक्स्ट लेवल का दिख रहा है एंड मौसम इतना मस्त होकर रखा ना। तो फिलहाल अभी यहाँ से निकलते हैं एंड निकल के अभी देखेंगे कहाँ चलते हैं एंड लास्ट में हम लोग चलेंगे कठिया का एक कैफे है तो वहाँ पर चलेंगे। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं एंड भाई रास्ता देखो, खतरनाक रास्ता स्टार्ट एंड भाई नेक्स्ट लेवल का ऊंचा है, देख रहे हो एकदम पूरा खरा है। तो पीछे करके बैठना, तो उठने का टाइम पे तो ठीक ही था लेकिन उतारने का टाइम पे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, देख रहे हो। एंड हम यहाँ पर जो है ना भाई फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो इससे पहले भाई बहुत बार कर्चिंग आया था लेकिन यहाँ पर ना फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो भाई अब तो बोल नहीं पाएंगे कि हम नहीं गए। वहाँ पर फाइनली आया एंड मस्त मज़ा आया देख के, बहुत अच्छा लगा। एंड आज है भाई ट्यूजडे, दर्शन करके भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइस अभी हम लोग नीचे आ चुके हैं, तो अभी हम लोग जा रहे हैं गीदे पहाड़ एंड उसके बाद देन देखेंगे कहाँ चलेंगे। एंड ये वाला रास्ता तो हम यहाँ पर भी शायद से आया था कि नहीं आया था पता नहीं, उतना याद नहीं हमको, तो जाने से ही पता चलेगा। एंड राहुल भाई लोग बहुत बार आया हुआ था एंड मेरे को लग रहा है कि हम भी आया था शायद, आई थिंक। पूरा एक्सप्लोर करेंगे आज खरसियां को भाई पूरा एकदम, चुका है कुछ इस तरीके का व्यू पॉइंट में भाई। तो यहाँ पर बाइक पार्क करेंगे देन ऊपर चलेंगे उसके बाद। तो बाइक पार्क करने का ही प्रॉब्लम है भाई यहाँ पर, पार्किंग का ही सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ पर, बस और कुछ नहीं। एंड यहाँ से व्यू पॉइंट एकदम मस्त दिख रहा है उतर। गिद्दा पहाड़ इसको बोलते भाई। एंड यहाँ से एक बार व्यू चेक करो, क्या खतरनाक नज़ारा दिख रहा है यहाँ से। तो उस साइड में है कोई कर्शियंग देख सकते हो यहाँ पर। तो अभी हम लोग ना बैग जाएंगे एंड वहाँ पर एक तो कैफ़े है शायद, वहाँ पर जाएंगे देखेंगे, अगर हो सकेगा तो जाएंगे ज़रूर से विजिट करेंगे वहाँ पर। तो कर्शियंग का क्या कैफ़े बोला था वो याद नहीं है नाम अपना। एंड यहाँ पर कुछ ऐसा टाइप का दिख रहा है भाई, नेक्स्ट लेवल का व्यू दिख रहा है यहाँ से एंड खतरनाक। गाइस टाइमर अभी लगभग कितना हो गया, 3:30 एंड अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं गीदा पहाड़ से। तो फिलहाल अभी यहाँ से निकलते हैं एंड यहाँ पर मोमो खा लिया भाई, वेज मोमो एंड टी, लेट्स गो। अभी यहाँ से सीधा चलेंगे भाई सिलीगुड़ी। तो ये लोग वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो ना तो भाई वीडियो को लाइक करो जरूर कर देना एंड चैनल पर अगर नए हो ना भाई तो अपना चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रख दो भाई, क्योंकि आगे जो है ना और भी तगड़ा तगड़ा वीडियो आने वाला है। कुछ दिन बाद ना रेगुलर हो जाएंगे, तो अभी फिलहाल तो कुछ दिन बाद गैप करके वीडियो आ रहा है, कुछ दिन बाद रेगुलर हो जाएंगे बस और कुछ दिन भाई। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो एंड फिलहाल तो चलते आगे। ये वाला चेक करो भाई, एकदम सनसेट हो रहा है उधर में एंड एकदम पूरा देख लो, पूरा पहाड़ एकदम लाल लाल होकर रखा है एंड इतना मस्त दिख रहा है ना भाई, एकदम नेक्स्ट लेवल का दिख रहा है। एंड इस साइड से धूप आ रहा है भाई, थैंक यू। तो गाइस यहाँ पर जस्ट पेपर चेक किया, पेपर बोले तो पेपर चेक किया एंड लाइसेंस चेक किया बस।
और कुछ नहीं बोला भाई। बस आप लोगों को बस इतना ही बोलना है, तो सुखना वाला रोड में जैसे ही आओगे ना आप लोग धीरे में चलाने का कोशिश करना, क्योंकि चेक करने वाला जो मशीन होता है ना तो वो सब भी लगा रहता है। तो इसीलिए ये वाला रोड में जब भी आओ ना तो तभी भाई स्लो स्पीड को जो ना थोड़ा सा लिमिट में रखा करना, एंड बस और कुछ नहीं है। मेरे पास से ना बहुत जन गया लेकिन उन लोग को नहीं रोका, तो खास करके KTM जैसे ही देखा ना तो रोक लिया भाई। तो भी तो गाइस टाइम अभी लगभग 10:32 हम आ चुके फिर अभी घर में। तो 10 पहले घर आए एंड घर आकर थोड़ा सा रेस्ट किया एंड उसके बाद अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो थोड़ा सा रेस्ट किया घर आके पहले एंड अभी वहाँ से ना हम लोग आ गया था, मतलब 6:30 आ गया था एंड वहाँ पर फिर टी करने के लिए रुक गया था। तो बस में उसका वहाँ पर रुक गया था थोड़ा सा, तो वहाँ पर चाय पी लिया एंड रात को फिर डिनर भी ना उस उधर ही करके आ गया। तो कॉस्मोस को उधर ही डिनर मिला करके आ गया, जस्ट थोड़ी देर पहले घर आया एंड हम सोचा कि चलो आज का वीडियो को जो ना भाई बहुत दिन मतलब बहुत लंबा हो जा रहा है शायद हमको लग रहा है ऐसा, तो वीडियो को ना यहीं पर एंड कर लेते हैं क्योंकि बहुत लंबा हो जा रहा है। तो वही लोग आज के लिए फिलहाल के लिए वीडियो ना क्लोज करना चाहेंगे। हम लोग ना और एक चीज़ बताना था, तो हम लोग सिलीगुड़ी में जो ना RTR 310 जो है ना आ चुके हैं भाई, तो उसका भी बहुत जल्द रिव्यू करेंगे थोड़ा बहुत, तो छोटा शॉर्ट रिव्यू करेंगे, तो ये बहुत जल्द लाएंगे वो भी चैनल पे अपना। तो वीडियो क्लोज करते हैं यहीं पर, तो लोग आज के लिए देते हैं वीडियो चला तो लाइक करना, कमेंट कर देना एंड चैनल पे अगर नया ना भाई तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कर देना। तो मिलते हैं इस वीडियो में।